और मैंने मदरसे में बैठ के इतना बड़ा मदरसे में बैठ के इतना बड़ा हत्ता तो बना यहाँ तक क्या इतना जरूरी है कुतुब बना दिया तो भान अल्लाह है मदरसे में बैठ के इतना बड़ा ये इतना तो कुतुब बना दिया अकबर इनको सारे के मौला के मौली ये बंगाल शहंशाह और इतना आलिम बनाया इतना बड़ा आलिम बनाया चारों तरफ हवा फैल गई कितने पानी में है कितने पानी नहीं ये देख के आएंगे अब अंदाजा लगाओ और सरकार भाई कितना है जो होती चला यार बोले बगदाद वाले की हवाओं पे चलती है बगदाद वाले के जिन्नों पे चलती है बगदाद का राजा सबका राजा फौरन हवा को हुक्म दे दिया यारी हो कुली हारे हदा को इस चील की इस चील को मार दे इस चील को पकड़ ले जैसे फरमाया वैसे जनाब उसकी गर्दन जनाब पर सिमट गई और फौरन नीचे गिर गई थोड़ी देर तक भी वो जनाब ठंडी हो गई तकलीर खत्म हो गई बगदाद वाले की तो जनाब जलाली भी बहुत थे मगर जमाल भी जल्दी आ जाता था फौरन किसी ने अर्ज किया सरकार जानवरी तो है हुजूर इसे क्या खबर थी इसे तमीज आपने सिखा दी मगर हुजूर अगर करम फरमा दें तो इसे उठा भी दें आपको जिला भी सकते हैं बच्चों है जनाबे वाला जुमले पसंद आ गए बड़े अदब से बोले गए थे बड़ी तमीज से बोले गए थे बड़ी तहजीब से पिरो पिरो के बोले गए थे तो जनाबे वाला पसंद आ गए हजरत मोहतरम आपने उस मुर्दा चील पे हाथ लगाया और हाथ लगा के फरमाया तुम बेदनिल्ला अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा चहकते चहकते चील जनाबे वाला सलामी देते हुए मक्का वाले को हवाओं की तरफ चली गई चहकती हुई चील और जनाबे वाला बोलती हुई चील ये बोया बगदाद के शहंशाह को सलामी दे दी गई हवाओं के नाम पे चली गई वो चील भी सलामी भी है जमाली भी है सन्नाटा छा जाता था तकरीर करते थे नाम कोई लाउड स्पीकर नहीं कोई माइक नहीं मगर इसके बाद उस सबसे पीछे जो खड़ा होता था उनसे पूछते थे तेरे कानों में आवाज आ रही है नहीं है बगदाद वाले की तो पीछे वाला कहता था मुझे तो ऐसा लगता था जैसे अब्दुल कादिर जिलानी मेरे कान में तकरीर कर रहे हो ये रूहानियत का इमाम है ये वलियों का इमाम है ये वो है जिसका कदम तमाम वलियों का बराबर है आ गया जो जी हसद करने वाला अपने यार के साथ जैसे ही बगदाद वाले ने देखा जलाल आ गया तवज्जो है जलाल आ गया तकरीर बंद कर दी दूर आके बैठा जो अली चेहरे पे जलाल के आसार दिलों के हाल से वाकिफ बगदाद के शहंशाह चेहरे पर जलाल के आसार इरशाद फरमाए हाफिज कुरान खड़े हो जाओ एक हाफिज साहब खड़े हो गए इरशाद फरमा कुरान में से कहीं एक आयत पढ़ो हाफिज साहब ने आयत सुनाई बगदाद वाले ने उस आयत की तफसीर सुनाई एक तफसीर यार बोला जोजी से तवज्जो इधर करना यार बोला जोजी से दोस्त बोला जोजी से इस तफसीर का तुम्हें पता है इस तफसीर का तुम्हें पता है तो जोजी कहने लगा हाँ पता है मैं बगदाद वाले ने तुमसे बहुत तेजी में सुना हूँ टाइम ज्यादा हो रहा है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरों पे जो है थोड़ा सा और सुना दूँ इस बात को मुकम्मल कर दूँ इजाजत है मैं ये दिखाना चाहता हूँ कितने इल्म वाले हैं बगदाद के शहंशाह एक तफसीर सुना यार बोला जोजी कान में तुम्हें पता है मुझे पता है
मेरे बगदाद वाले ने उसकी तस्वीर सुनाई, बोले पता है, बोले पता, तीसरी तस्वीर सुनाई पता, पता चौथी सुनाई तो पता, पता पांचवी सुनाई बोले पता, बोले पता छठी सुनाई। बहुत हिम्मत चाहिए एक आयत की कई तस्वीरें सुनाने, बड़ी हिम्मत चाहिए। छह तस्वीर, सात तस्वीर, आठ तस्वीर, नौ तस्वीर, दस तस्वीर, ग्यारह तस्वीर, बारह तस्वीर, तेरह तस्वीर, चौदह, पंद्रह तस्वीर, एक ही आयत की पंद्रह तस्वीर, मगर यार बोला पंद्रहवीं पे यार बोला पता है तो जोधी बोला मुझे मालूम है, यानी पंद्रह जो इन्होंने बयान किए हैं वो मुझे पहले से ही मालूम है। तो जोधी भी कोई कम पढ़ा लिखा नहीं था, जोधी बोला मुझे मालूम है। तो जनाबे वाला मेरे गौस ने सोलहवीं तफसीर बयान कर बयान की, तो जोधी वो जो यार बोला जोधी से तुझे पता है, बोले इसका पता नहीं है। सत्रहवीं बोले इसका पता, बोले नहीं है। अठारहवीं बोले इसका भी नहीं है, ना उन्नीसवीं इसका भी नहीं है। अब गौसे आजम जनाबे वाला दरिया बहाते चले जा रहे और जोधी जनाबे वाला गया था पानी नापने, खुद कहीं नप गया तेईसवीं तफसीर, चौबीसवीं तफसीर जनाबे वाला यार बोला अब बता कौन कितने पानी में है। तो जनाबे वाला खड़ा हो गया जोधी और खड़े होकर बोला अब बस कर दीजिए शहंशाह बगदाद, मैं आपको मान गया, मैं आपको मान गया और मुझे माफ कर दीजिए। हजरत मोहम्मद फिर मेरे बहुत याद हमने जनाबे वाला 25वीं तफसीर बयान की, 26वीं बयान की, 27वीं बयान की और इरशाद फरमा खड़ा रह जो थी, 28वीं बयान की, 29वीं बयान करी। हजरत मोहम्मद तेजी से आए जो थी और जो थी ने कपड़े फाड़ लिए अपने और पल्लू में बिछ गए और पल्लू में बिछ गए बोले हे बगदाद के शहंशाह मुझे माफ कर दो। अगर हाल की भी सुन ले तो जनाबे वाला बिछने लगा, कदमों पे गड़गड़ाने लगा, तो मेरे गौसे आजम ने माफ कर दिया। समझ में आई नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी है, हर अल्लाह वाला कुरान का आलिम। दो बातें आज मेरी तकरीर का, तो जब माँ खड़ी है अल्लाह वाले के पीछे तो उस माँ को इल्म कहाँ से मिला, इन्हीं मदरसों से। इन मदरसों से मोहब्बत करो, बगदाद वाले से मोहब्बत है, इन मदरसों से मोहब्बत करो, इन्हें चलाने वालों से मोहब्बत करो। मुझे खुशी हुई, मैंने काफी टाइम तुम्हारे ले लिया, किसी इस मौजू पे इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी बहुत बात करूंगा। आज मैंने तुम्हारी ये दो घंटे ले लिए, घंटा 50 मिनट ले लिया, बहुत ले लिया। अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल फरमाए, तुम्हारा दिया हुआ नजराना कबूल फरमाए।